नमस्ते दोस्तों, जय शिवराय। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीरता शौर्यता भरी कहानी बताना चाहता हूँ, जिसको सुन के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको हिंदुस्तान की नारी शक्ति के बारे में पता चलेगा। आज मैं ऐसी नारी शक्ति का इतिहास बताने चाहता हूँ आपको, जिसने मुगलों के साथ लड़ाई की, ब्रिटिशों के साथ लड़ाई की, मराठों के साथ लड़ाई की, और जिसने अपनी पहली महिला सैन्य हिंदुस्तान में बनाई थी। ऐसी स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, जिनका नाम है बेलावड़ी मल्लम्मा। तो इस शौर्यता भरी कहानी सुनने के लिए हमको इतिहास के थोड़े पन्ने पीछे जाने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा गांव है बेलावड़ी, उधर के राजा मतलब जो जमींदार थे उस समय, उनका नाम था यशाजी प्रभु देसाई और उनकी पत्नी सावित्रीबाई, जिनको रानी मल्लम्मा के नाम से भी पहचाना जाता है। उनके पास आजू बाजू के थोड़े गांव और अपने गांव की जमींदारी थी, और उनके पास बेलावड़ी में एक मजबूत किला भी था। वो दोनों एक बहुत नेक दिन इंसान थे और वे क्षत्रिय थे। तो आज मैं आपके सामने इतिहास के थोड़े सुवर्ण पन्ने खोलना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी बेलावड़ी मल्लम्मा कैसे एक दूसरे से मिले थे, उनके बीच में युद्ध क्यों हुआ था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज रानी बेलावड़ी मल्लम्मा को अपनी बहन मानते थे, और क्यों रानी बेलावड़ी मल्लम्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली विश्व की पहली मूर्ति बना के दी, और जो अभी तक आपको बेलावड़ी गांव में दिखेगी। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। तो ये सब तब शुरू हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय सवारी निकाली थी, मतलब उत्तर में जो भी भारी आक्रमणकारी थे उनको भगाने के लिए और स्वराज बढ़ा करके उसको मजबूत करने के लिए सवारी निकाली थी। तो दक्षिण दिग्विजय की सवारी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, और जब वो वापस लौट रहे थे उत्तर कर्नाटक से, यादवाड़ बैलोंगल धारवार प्रांत में स्थित समगांव में वो रुके हुए थे। तो उसके नजदीक में बेलावड़ी गांव था। जैसे ही ये खबर बेलावड़ी के राजा यशाजी प्रभु देसाई और उनकी पत्नी रानी बेलावड़ी मल्लम्मा को लगी, तो उन्होंने तुरंत अपना एक पत्र भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज को और उनको अपने गांव आने के लिए निमंत्रण दिया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको स्वीकार किए, वो गांव जाने के लिए राजी हो गए। और इसी बात के खुश होके पूरा बेलावड़ी गांव, बेलावड़ी मल्लम्मा, उनके राजा और पूरी उनकी प्रजा पूरे धूमधाम से राजे के स्वागत के लिए तैयारी करने शुरू होगी। पूरा गांव फूलों से सजाया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के आगमन के लिए। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके आगे ऐसा क्या हुआ जो छत्रपति शिवाजी महाराज और बेलावड़ी गांव के बीच में युद्ध हुआ। मराठा फौज लगभग 1 लाख की थी और कुछ फौज बेलावड़ी गांव आके पहुंच चुकी थी। तो एक रात को क्या हुआ कि मराठा फौजों के कुछ नौजवान सैनिकों ने बेलावड़ी गांव के लोगों से दूध मांगा, तो बेलावड़ी गांव के लोगों ने उनको मना कर दिया क्योंकि उनको दूध दूसरी जगह इस्तेमाल करना था। छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जिसमें किसी भी स्त्री की छेड़खानी नहीं करना, किसी भी निशस्त्र आदमी पर शस्त्र नहीं उठाना, जो भी लोग शरणागत आते उनको शरण दे के माफ करना, और किसी भी किसान के पास का अनाज नहीं छीनना। अगर किसान आपको नहीं देने वाला है तो उसकी मर्जी से नहीं लेना, अगर लिया गया तो उसको बहुत ही दंड कार्रवाई होने वाली, और जो भी किसान अपना मोल भाव बोलने वाला था, अगर वो 100 रुपए भी अनाज बोला 10 रुपए का, तो भी 100 रुपए से ही लेना। तो ये ऐसा बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैन्य को दिया था। लेकिन जब बेलावड़ी के गांव के लोगों ने उनको दूध की मनाई की, तो रात में कुछ मराठा सैनिकों के नौजवानों ने उधर जाके दूध निकाल के गायों की चुरा के अपने सैन्य में लेके आए। इसी से गुस्साए हुए बेलावड़ी गांव के लोगों ने अपने राजा यशाजी प्रभु देसाई के पास इनकी शिकायत की कि मराठा फौजों ने रात में छुपके से आके हमारे गायों के दूध निकाल के चोरी करके लेके गए। तो जैसे ही ये खबर यशाजी प्रभु देसाई को लगी, तो इन्होंने अपने एक साथीदार सिद्धगौंडा पाटिल को बोल दिया कि इस शिकायत के बारे में खोजबीन करे। तो सिद्धगौंडा पाटिल मराठी फौज के एक अधिकारी के पास गए, जिनका नाम था सकुजी गायकवाड़, जो दुर्भाग्यवश सकुजी गायकवाड़ और सिद्धगौंडा पाटिल दोनों भी गर्म दिमाग के, गर्म मिजाज के लोग थे, और जब ये एक दूसरे से मिले तो इनके बीच में तू तड़ाक हुई। इन्होंने उनको प्रतिउत्तर गलत तरीके से किया, उन्होंने इनको प्रतिउत्तर गलत तरीके से किया, और फिर इसके बाद में इन्होंने दोनों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा करके यहाँ तक भी बोल दिया कि हम आपको देख लेंगे, इन्होंने बोला हम आपको देख लेंगे, और फिर
सिद्धगौंडा पाटिल उधर से निकल गए और फिर अपने राजा के पास जाके उन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने ये तक भी कह दिया कि सिर्फ मराठा फौजों ने हमारे गायों का दूध नहीं चुराया बल्कि हमारे थोड़े गाय भी चुरा के लेके आए। और फिर ये सुन के बेलवडी की राजा ने अपने प्रजा और सैन्य को स्वागत की तैयारी बंद करके युद्ध की घोषणा दे के युद्ध की तैयारी करने के लिए कह दिया और पूरी सैन्य बेलवडी के मजबूत किला जो है उस किले में अंदर चली गई। और फिर बेलवडी के राजा अपने सैन्य को आदेश देते हैं और फिर बेलवडी के सैन्य एक मराठी की टुकड़ी पर हमला करती है और उधर से बैल और उस पर लदाया गया साजो सामान की लूट करके अपने किले में लेके जाती है। तो जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलती है कि बेलवडी गांव आज युद्ध करने के लिए हमारे सामने रुका है तो वो भौचक्के रह जाते हैं कि कल तक जो गांव और वो गांव वाले और जो राजा मेरे स्वागत की तैयारी करते थे वो आज युद्ध की तैयारी क्यों कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज बेलवडी गांव पहुंचते हैं तब वो राजा को यशाजी प्रभु देसाई जो बेलवडी गांव के राजा थे उनको पत्र भेजते हैं कि हमें आपके साथ संघर्ष नहीं करना है, आप हम ही के लोग हैं और हमें हमारा जो आपने लूट लिया है वो वापस कर दीजिए और हम स्वराज्य वापस चले जाते हैं। और फिर गुस्सा हुए बेलवडी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पत्र भेजते हैं कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है और किसी भी परिस्थिति में अपने जो लूट उन्होंने मराठों की मारी है बैल और उन पर लगाया गया साजो समाज वो नहीं देने वाले, तो फिर युद्ध की घोषणा वो कर देते हैं। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैन्य को बुलाते हैं क्योंकि कम से कम 1,00,000 की फौज थी छत्रपति शिवाजी महाराज की और बेलवडी किला एक छोटा सा किला था, छोटी सी फौज थी और ये अपने ही लोग थे। इसके बारे में उन्होंने अपने सैन्य से कहा कि आपके गोले, आपके तीर और तोफ गोला और दारू गोला कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ फौज जाना और किला जीत के अपना साजो सामान जो बैल और उनके ऊपर लगाया हुआ जो साजो सामान है वो ले लिए और फिर वापस हम स्वराज्य चले जाएंगे। उसके बाद में युद्ध शुरू हो जाता है। 1,00,000 के मराठा फौज के लिए एक छोटा सा किला जीतना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, एक दिन का काम था और फिर युद्ध शुरू हो गया। एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक हफ्ता बीत गया। इसके बीच में खुद बेलवडी के राजा यशाजी प्रभु देसाई अपने सैन्यों का नेतृत्व करके किले से बाहर निकले जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद में युद्ध रुका नहीं। उनके मृत्यु के बाद में उनकी बीवी सावित्री बाई देसाई जिनको बेलवडी मल्लम्मा भी कहा जाता है उन्होंने फौज का नेतृत्व शुरू रखा और युद्ध जारी रखा। ऐसे करते करते हुए 2 हफ्ते बीत गए युद्ध को और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना कीमती समय इधर अपने लोगों के साथ लड़के नहीं बिताना था, इसलिए उन्होंने अपने फौज को बुला के तोपखाने का इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया और उसके बाद तुरंत सामने की दीवार किले की गिराई गई और फिर मराठा फौज अंदर जाके किले पर अपना हक जता दिया और फिर बेलवडी मल्लम्मा रानी को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने रानी बेलवडी मल्लम्मा से कहा, ताई मुझे आप में साक्षात माँ तुलजा भवानी दिखती है, दुख सिर्फ इस बात का है कि हम स्वराज्य के लिए, राम राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आप हमारे खिलाफ लड़ते हैं। इससे गुस्सा हुए रानी बेलवडी मल्लम्मा ने कहा, आपके अधर्म का राज को राम राज्य क्यों नाम दे रहे हैं आप। इससे गुस्सा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, आप स्त्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको दंड मिलेगा अगर आप ऐसी भाषा स्वराज्य के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इससे गुस्सा हुए बेलवडी मल्लम्मा ने कहा, कैसा धर्म कैसा न्याय, आपके दरबार में मुझे न्याय नहीं मिल सकता है। तो इसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बेलवडी मल्लम्मा से कहा, ताई मैं आपको बहन मानता हूँ, मुझे पूरी बात बताइए आप पर क्या अन्याय हुआ है, मैं आपको न्याय दे के ही निकलूंगा इधर से। उसके बाद में रानी बेलवडी मल्लम्मा ने अपनी नजर नीचे की, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि रानी बेलवडी मल्लम्मा एक स्वाभिमानी स्त्री है और ये बात वो बाकियों के सामने नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपना दरबार खाली करने के लिए कहा और जैसे ही सभी लोग बाहर चले गए और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने रानी बेलवडी मल्लम्मा से कहा, ताई मैं आपका भाई हूँ, मुझे बेझिझक बोलिए आप पर क्या अन्याय हुआ है, मैं आपको न्याय दूंगा। इसके बाद में रानी बेलवडी मल्लम्मा ने कहा, ये आपका सखुजी गायकवाड़ इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। इससे गुस्सा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, आप एक स्त्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे फौज पर कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, अगर ये बात गलत निकली तो आपका सिर इधर ही मार दिया जाएगा। और फिर बेलवडी मल्लम्मा कहती है कि आपको न्याय देना है तो मुझे अभी देखना है आप मुझे न्याय कैसे देते हैं। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सभी लोगों को फिर से वापस शामियाने में बुलाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज चिल्लाते, सखू जी क्या बोल रही है ये औरत, क्या ये सच है।
तभी सखुजी गायकवाड़ तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज के पैर के पास आ जाते और बोलते, नहीं महाराज मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, झूठी है ये औरत। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते सखुजी गायकवाड़ को, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, क्या झूठ बोल रहे, क्या हुआ है मुझे बोलिए। फिर सखुजी गायकवाड़ बोलते, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मैं गुस्से में अपना भावना संभाल नहीं पाया, मुझे इतना गुस्सा था कि मुझे इस स्त्री से बदला लेना था। इससे गुस्सा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, जिस नजरों से इसने मेरी बहन को बुरी नजर से देखा है उसके दोनों आंख निकाल दिए जाए। और तुरंत कार्रवाई हुई और उनके दोनों आंख निकाल दिए गए। ये न्याय देख के रानी बेलोड़ी मल्लम्मा ने अपने पुत्र को छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों में रख दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके पुत्र को अपने हाथ में लेके उसको दूध पिलाया। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो किला, जो उन्होंने दीवार तोड़ी थी किला जीतने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए उनको पैसे देके ये दीवार फिर से बनवाने के लिए कहा। और फिर अपने पास के स्थित थोड़े गांव उनको भेंट में दे दिया। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज उधर से फिर से निकल गए। उसके बाद में रानी बेलवड़ी मल्लम्मा ने उनके याद में एक शिल्प बनाया है, मतलब उनकी पहली मूर्ति, विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली मूर्ति रानी बेलवड़ी मल्लम्मा ने बेलवड़ी गांव में बनाया है। आप आज भी उधर जाके देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली मूर्ति। उसके बाद में आगे चल के रानी बेलवड़ी मल्लम्मा छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भावना रख के अपने देश के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ती रही। छत्रपति संभाजी महाराज को उन्होंने युद्ध में मदद की। उसके बाद में उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी। तो ये थी एक शूरता वीरता भरी रानी बेलवड़ी मल्लम्मा की कहानी। आज भी आप जा से देख सकते हैं बेलवड़ी गांव में बेलवड़ी मल्लोत्सव करके मनाया जाता है। वो इसी बात के लिए मनाया जाता है कि शौर्यता के बारे में किससे आज भी सुनाई देते हैं। जय हिंद, जय शिवराय, जय हिंदू राष्ट्र।